निकाला गया है किस स्कीम के था, कितने प्लॉट थे और आवंटित होंगे? जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मेडिकल डिवाइसेस पार्क, और मेडिकल डिवाइसेस के लिए एक स्पेशल सेक्टर बनाया गया। उसके अंदर आज जो है विभिन्न जो हमारे ब्रोशर के अंदर नियम दिए गए थे और भारत सरकार ने डायरेक्शंस दिए थे, हमने स्कीम जो है प्लॉट्स आवंटन की 12 जून को निकाली थी, पब्लिश की थी उसका एडवर्टाइजमेंट, और उसके संबंध में स्क्रूटनी करने के बाद आज अंतिम रूप से जो एलिजिबल हमारे जो आवेदक करता थे उसमें माननीय सदस्य जो समिति आवंटन समिति थी उनके समक्ष और आपके सामने भी और सभी साथियों के सामने बड़ा पारदर्शी तरीके से प्लॉट आवंटन किया गया है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए और सभी साथियों की जानकारी के लिए बता दूं कि समिति के सभी जितने हमारे सम्मानित सदस्यगण थे वो आज उपस्थित थे। हम जितने ज़्यादातर जो लोग जिनको पहले से ही सूचना दी गई थी कि आज ड्रॉ ऑफ लॉट्स कब होगा, ब्रोशर में भी लिखा गया था, उसके अनुसार 1000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स थे वो कुल 19 प्लॉट हमारे पास उपलब्ध थे, जिसके सापेक्ष हमारे पास 7 आवेदन आए। 7 आवेदनों के जब स्क्रूटनी की गई, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे ब्रोशर के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे उसको दृष्टिगत करते हुए एक एलिजिबल एप्लीकेंट हुआ और 6 ऐसे एप्लीकेंट्स थे जो एलिजिबल नहीं पाए गए थे। तो 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट आवंटित किया गया। 2100 स्क्वायर मीटर के हमारे पास, यानी अथॉरिटी के पास, यमुना अथॉरिटी के पास मेडिकल डिवाइसेस पार्क में इस स्कीम के तहत 18 प्लॉट उपलब्ध थे, उसके सापेक्ष 15 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई हैं और 7 इसके अंदर जो है एलिजिबल एप्लीकेंट्स या आवेदनकर्ता हमको प्राप्त हुए, और जो एलिजिबल नहीं थे वो लगभग 8 एप्लीकेशंस थी। तो यानी कि अगर कुल जोड़ देखा जाए 1000 स्क्वायर मीटर और 2100 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का, तो कुल हमारे पास 37 इस स्कीम के अंदर 37 प्लॉट आवंटन के लिए हमारे पास थे यमुना अथॉरिटी के पास, उसमें 22 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई और 8 इसमें आवेदककर्ता स्क्रूटनी करने के बाद 8 सही पाए गए और 14 नहीं पाए गए थे, तो इन 8 के 8 लोगों को आवंटन किया गया ड्रॉ ऑफ लॉट से, जो हमारे आवेदनकर्ता थे उनके द्वारा और जो यहाँ के जनता के लोग उपलब्ध थे उनके सामने ड्रॉ ऑफ लॉट्स किए गए और किस व्यक्ति को कौन सा प्लॉट आवंटित होगा ये ड्रॉ ऑफ लॉट से ही पता चल पाया। तो ये आज पूरी जो प्रक्रिया है वो बड़े जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई। जी, आवंटन पत्र कब तक जारी कर दिया जाएगा और क्या सुविधाएं दी जाएंगी? आवंटन पत्र बहुत शीघ्र ही इसमें जारी किया जाएगा सर, आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक, मतलब आज या कल तक हम लोग उसको जल्द से जितनी जल्दी हो पाएगा हम करेंगे। और इसमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए मैं जानकारी में भी लाना चाह रहा हूँ कि हम बड़ा सा इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक और बाकी सारी चीज़ें जो है यमुना अथॉरिटी उसके लिए जो बेसिक बुनियादी व्यवस्थाएँ हैं वो उपलब्ध कराएगा। कार्य मेडिकल डिवाइसेस पार्क 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइसेस पार्क का सेक्टर बनाया जा रहा है, उसके अंदर कार्य ऑलरेडी बड़ा गतिशील है, प्रगति पर है और सारे कार्य उसमें किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए है उसके लिए स्पेशल स्कीम भी निकाली हुई थी, उसके तहत और उसमें जो मापदंड दिए गए हैं उसके अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। और हिंदुस्तान के अंदर केवल 4 राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है जिसके अंदर हम मेडिकल डिवाइसेस पार्क लेके आ रहे हैं। शीघ्र ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से आपको एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे ये आज जिन यूनिट्स को या जिन कंपनीज़ को या जिन एप्लीकेंट्स को आज ये प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं वो अपने कारोबार और अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई यहाँ करेंगे।